वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार शाइन्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिसमस केक, जो कि मैंने उस दिन केक टिन मंगवाया था अपना, तो मैं आज उसे यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगा, तो वो बस मैं बना रही हूँ बिस्किट से एक्चुअली। उसमें ना तो कोई मैदा लगेगी, ना कोई उसमें चीनी लगेगी, बस दूध एंड बिस्किट और इनो। तो बनाते हैं हम जल्दी से। उस केक टिन को मैंने निकाल लिया है, ग्रीस कर लिया है, तो मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से बिस्किट्स लिए हैं और चलते हैं बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने लिए हैं ये दो तीन तरह के बिस्किट्स, आपका जो भी मन करे आप वो बिस्किट ले सकते हो। मैंने लाइट और डार्क इसलिए लिए हैं क्योंकि जो डार्क बिस्किट्स हैं वो मेरे कोको पाउडर का काम करेंगे, और जो ये वाले बिस्किट्स हैं ये फ्लेवर बहुत अच्छा देते हैं। और 1 ग्लास दूध लिया है मैंने, इनो का पाउच लिया है, और थोड़ा सा बटर, और इस ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया है। एक खाली ये बोल लिया है क्योंकि मैं इसमें अभी ये जो पाउडर बनेगा इस बिस्किट का, तो मैं इसमें उसको मिक्स कर लूँगी, और ये स्पैचुला, तो फटाफट से मैं इसको मिक्सी कर लेती हूँ, और मिक्सी करने के बाद में हम अपना फटाफट से बनाते हैं। और यहाँ पर है ये मेरे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने ऑरेंज जूस में 1-2 घंटे से मैंने सोक करके रखे हुए हैं। इसमें जो क्रिसमस केक होता है उसमें पड़ता तो बहुत कुछ है, क्योंकि उसमें हम जो है चेरी डालते हैं, चोको चिप्स डालते हैं, और जो ब्लैक रेजन्स होती है वो डालते हैं। पर अभी फ़िलहाल जो मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने ये लिया है, तो अब मैंने इसको सोक करके रख दिया था। सोक करने से ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो हम इसको भी डालेंगे। फिलहाल मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर हम इसमें मिलाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका ये पाउडर बना लिया है, और अब मैं इसमें धीरे धीरे मिल्क मिलाऊंगी। ऑरेंज में जब हम सोक करके रखते हैं तो ऑरेंज बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें डलता है लौंग का पाउडर, जायफल का पाउडर 1 पिंच, और 1 पिंच सिनेमन पाउडर, क्योंकि ये विंटर्स में हमारी बॉडी को गर्म रखता है, हमें सर्दियों से बचाता है, हमें सर्दी नहीं लगने देता। इसमें इसीलिए इतने ड्राई फ्रूट और इसीलिए ही इतने सारे इसमें जो खड़े गर्म मसाले होते हैं वो डलते हैं तीन तरह के, और रम में इसको सोक करके ज्यादा रखा जाता है जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने रम का यूज तो नहीं किया है, यहाँ पे जो मेरा बचा हुआ था मैंने सारा दूध डाल दिया है। और इसमें बटर की जगह देसी घी या फिर कोई भी एडिबल ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने इतने अच्छे से ये मिला दिया है कि इसकी हर बाइट में अब ड्राई फ्रूट और ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी। अब मैं इसमें जो मेरा बटर था ये मैं इसमें डाल दूंगी, श्रेयन के पीछे से बातें आती रहती हैं, ये थिक पेस्ट बनके रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें इस अपने केक टिन में इसको पोर कर दूंगी, तो तब तक मैं अपना जो मेरा पतीला है, भगोना है,
ऐसे प्री हीट करके रख लूँगी। तो मैं उसको प्री हीट करके रख लेती हूँ क्योंकि मेरा ये बैटर बन गया। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ये इनो और मैं अब इसको हल्के हाथ से इसको करके रख लिया था और अब मैं इसको इसमें रखूंगी। मैंने रख दिया है, और गैस हमारी रहेगी इतनी। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट या 20 मिनट का वेट कर। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ बर्थडे बॉय के लिए क्या लिया है अपने हस्बैंड के लिए। ये मैंने शास्त्री नगर से लिया था, ये शास्त्री नगर से मैंने लिया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ऐसा है, इसका नेक बहुत अच्छा लग रहा था। ये स्टाइल है यहाँ पे ऐसे, ये चेन का, तो ये उनको अच्छा लग रहा था ऐसे वाला स्टाइल। और ये पीछे से प्लेन है मस्टर्ड येलो, और इसके जो फैब्रिक है बहुत अच्छा है। अंदर से ये वाला रुआ है जो इसमें होता है वॉर्म वाला, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जब तक हमारा केक बन रहा है तब तक हम ये दिखा देते हैं अपना। और ये ली थी जीन्स जो कि है घंटा घर से। उस दिन हमने बहुत शॉपिंग करी थी, मतलब टाइम बहुत लग गया था, इतना कुछ तो पता नहीं खरीदा नहीं खरीदा। ये उसी की मैचिंग की है, पर हमें इतना टाइम लग गया था क्योंकि हम श्रीयन के स्कूल भी गए थे। तो ये वाला पेयर हो गया इनके पापा के लिए जो कि हो गया बर्थडे के लिए। फिर मैंने मीशा के लिए ली एक लेगिंग्स, ये मैंने उस दिन खरीदी थी। ये वेलवेट में है और बहुत अच्छी है, ऑरेंज ऑरेंज कलर है। श्रेयन ऑरेंज है ना ये, तो ये मीशा को इस टाइप की वेलवेट की बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसके लिए ले लेती हूँ। और ये भी शास्त्री नगर से थी गाज़ियाबाद के। और मैंने ये लिया जैगिंस, ये भी बहुत अच्छी है। जैगिंस ये डांगरी टाइप से है, ऐसे क्रॉस में आएगी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें दो पॉकेट्स हैं और ये भी वॉर्म है, क्योंकि इतना अच्छा डिज़ाइन पैटर्न इसका है तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने मीशा के लिए ये ली, और मैंने मीशा के लिए लिया कुछ चीज़ें घंटाघर से ली, कुछ चीज़ें शास्त्री नगर से। ये मैंने लिया है घंटाघर से क्योंकि मीशा ने मुझसे, ये रेड है पर पता नहीं इसमें ये कैसा कलर आ रहा है, तो मीशा ने बोला था मुझको कि क्रिसमस पे पहनने के लिए मुझे रेड चाहिए, और ये क्रिसमस वाली वाइब आ भी रही है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये भी वेलवेट है इतना सॉफ्ट वाला, तो मैंने ये लिया। फिर उसके बाद में मैंने अपने लिए लिया है जो कि ये शास्त्री नगर से है, मैंने अपने लिए घंटाघर से आई थी कुछ भी नहीं लिया, तो मैंने ये रेड में लिया है पॉन्चो। ये भी रेड कलर में है, ये भी शास्त्री नगर से है। इसका गला कैसे हो गया ऐसे, बहुत अच्छी क्वालिटी है, इतना सॉफ्ट है ये, इतना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। और मैंने एक ली है वुलन जैगिंस जो कि जैगिंस कम स्कर्ट होती है इस टाइप से,
तो ये भी शास्त्री नगर से ली मैंने, और ये ऐसी होती है, इसमें ऐसा लगता है जैसे आपने स्कर्ट के नीचे कुछ पहना हुआ है, बहुत अच्छा लुक आता है इसका। यहाँ पे रफल्स हैं ऐसे, पर ये इसके साथ अटैच होती है, तो इसका लुक भी कभी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा आएगा। और मैंने 2 कैप ली थी, श्रीयन के लिए पीच और मीशा के लिए ग्रे, ऐसे ये ग्रे ली थी। इसका भी बहुत सॉफ्ट है, इसमें ये पम पम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये वाली श्रीयन के बहुत अच्छी आ रही है और बहुत सॉफ्ट भी है। और सबसे लास्ट में जो मैंने लिया था अपने लिए, वो मैंने लिया था, ये पूरी बड़ी पॉलिथीन में आया है, ये तो मुझे खड़े होके दिखाना पड़ेगा लग रहा है। ये आया है ऐसे, ये भी शास्त्री नगर से है, और ये वूलन है टॉप, ये टॉप वूलन है, और इसका ये जैकेट भी वूलन है, क्योंकि वूलन में ऐसे ज़्यादातर मिलते नहीं है इस टाइप के डिज़ाइन। और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है एम्ब्रॉयडरी की। श्रियन क्या गिरा रहे हो, इसकी ये बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी। मुझे ये इसके कलर, एक तो ये सिल्वर ग्रे, ऊपर से ये लाइट पिंक जो होता है इसका कॉम्बिनेशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर ये फुल स्लीव्स ये है, टॉप है, और इसके ऊपर ये श्रग है। तो मैंने ये कुछ चीज़ें ली थी उस दिन, और भी कुछ लिया होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि उस दिन हमने बहुत कुछ लिया था, जितना याद था तो मैंने दिखा दिया उतना। और ये सब कुछ हमने ट्राई करके देख लिया है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली आया है, बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें लेके। कुछ शास्त्री नगर से ली कुछ हमने, तो अब बात करते हैं हमारे केक की। तो ये जो केक होता है क्रिसमस केक, इसमें चेरीज और बहुत कुछ डलता है, पर जितनी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उतनी डाली, और जितना हम सब खाते हैं, क्योंकि चेरी डालने से बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, और जो भी इसमें डलता था वो मैंने इसीलिए कम कर दिया है। पता नहीं क्रिसमस वाली वाइब आएगी या नहीं आएगी, पर मैं अपनी शॉपिंग से बहुत खुश थी कि मेरे को सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो अब हमें हो गए हैं 10-15 मिनट, अब मैं जाती हूँ एक बार केक को चेक करती हूँ कि कैसा चल रहा है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेती हूँ मैं केक का क्या हाल है। तो ये कुछ बनने वाला है, पर अभी नहीं, अभी मैं और ढक देती हूँ इसको, थोड़ी देर के लिए और ढक देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा केक रेडी है, पता नहीं इतना ब्लैक क्यों दिख रहा है, और मैंने ये नाइफ भी डाल के देख लिया था, नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रहा है। तो मैं इसको इतने निकाल के रख लेती हूँ, और रूम टेम्परेचर पे इसको हम ठंडा कर लेते हैं। इसको मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिया है, और अभी थोड़ा सा ठंडा करते हैं, उसके बाद में इसको चेक करते हैं। बाकी ये जो ऐसे फट जाता है तो ये अच्छे केक की ही निशानी होती है। तो अभी मैं इसको बाहर निकालूंगी, फिलहाल इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं। तो यहाँ पर मेरा केक बन के रेडी हो गया है क्रिसमस का, और मैंने इसको ऐसे रखा है और मैं इसका एक बाइट मैंने काट के भी रखा हुआ था ये दिखाने के लिए कि कितना सॉफ्ट बना है, और इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत ही अच्छा बना है। मैंने इसको खा के भी देख लिया था, तो ये बहुत अच्छा बना है। अब इसे आप भी बनाना और बताना, क्योंकि बिस्किट से बहुत ही इजी हो जाता है केक। मैंने ड्राई फ्रूट अंदर इतने डाल दिए थे, तो इसलिए मैंने इसकी डेकोरेशन में इतने नहीं डाले हैं, और मैंने ये बहुत ही सिंपल सा केक बनाया है, और खाने में भी। तो ये था मेरा आज का दिन, जो कि मैंने केक बनाया क्रिसमस केक, और मैंने की ढेर सारी शॉपिंग जो कि मैंने आपको दिखा दी। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि बहुत जल्द आएगा, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो सब्सक्राइब करे बिना देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। उस तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।